दोस्तों आप देखते हैं हमारे पास यह स्टैम्पिंग है जो कि जीसी मोटर या एग्जास्ट फैन और कैप्सूल मोटर के नाम से यह मोटर है जो कि जानी जाती है। और इसे हम इसकी जो वार्निंग है कंप्लीट हो चुकी है, आपको इस वीडियो में आपका इसको जो वार्निंग डाटा शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको वार्निंग डाटा शेयर करने के बावजूद दोस्तों आपको इसके जो वार्निंग है किस तरह से होती है आप कम्प्लीटली इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो में आपको एग्जास्ट फैन की या कैप्सूल मोटर और जीसी मोटर का वार्निंग डाटा आपको शेयर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो वार्निंग है, कॉपर वायर में इसकी वार्निंग करेंगे। कॉपर वायर में वार्निंग करने के बाद दोस्तों इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारा स्टेटर की कोर साइज और स्टेटर का इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और स्टेटर की मोटाई, यानी कि जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको डायरी की सहायता से बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो वार्निंग डाटा है, एग्जास्ट फैन वार्निंग और कैप्सूल फैन वार्निंग या जीसी मोटर को आप इस मोटर को कह सकते हैं। यदि आप सर्च करेंगे जीसी मोटर या एग्जास्ट फैन तो आपको मोटर इसकी वार्निंग है जो कि कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों इसकी जो स्टेटर की साइज है, यानी कि जो हमारा अंदर वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग है जो कि स्टेटर की मोटाई है, आप देख सकते हैं 2.26 इंचेस में है, 2 इंच 26 इंचेस में है। और दोस्तों इसका जो इनर डायमीटर आईडी है, जो इनर डायमीटर है अंदर वाला भाग यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग, यह हमारा 54 mm है। 54 mm में हमारा इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर जो ओडी है, आउटर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का भाग जो कि मोटर का स्टेटर का बाहर वाला भाग, यह हमारा आउटर डायमीटर होता है जो कि 90 mm है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग है जो कि हमारा 90 mm है। और इसकी जो आरपीएम की बात करें, जो हमारी मोटर पर मिनट में यानी कि 1 मिनट में हमारे 1400 राउंड लेगी, यानी पर मिनट 1400 राउंड लेगी 1 मिनट में, यानी कि इसके आरपीएम होंगे। और इसमें कैपेसिटर की बात करें तो यह इसमें हम 10 mFD यानी कि 10 mFD तक का कैपेसिटर जो कि यूज में ले सकते हैं, 10 mFD तक का कैपेसिटर जो कि यूज में ले सकते हैं। और कनेक्शन जो कि हमारे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी सफाई नहीं आती इस मोटर की, थोड़ी जगह कम होने की वजह से इसमें सफाई कम आती है। और सफाई दोस्तों आप देख सकते हैं नहीं आई बल्कि कम आई हुई है। और इसमें जो कनेक्शन है 1 से 3, यानी कि प्रत्येक क्वाल के कनेक्शन 1 से 3 कनेक्शन होते हैं, यानी कि सीरीज कनेक्शन होंगे। और कनेक्शन करने के बाद इसे हम टोटल 4 वायर जो कि बाहर निकाल देते हैं। यह कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसके यह वर्किंग है, यह 220 वोल्टेज की सप्लाई पे यह वर्क करती है, यानी कि 220 वोल्टेज और 10 mFD का कैपेसिटर जो कि लगाकर हम 220 वोल्टेज की सप्लाई पर इसे हैं जो कि हम ऑन कर सकते हैं। इसकी जो वार्निंग है, इसकी वार्निंग कॉपर वायर में इसकी वार्निंग की है कम्प्लीट। और इसकी जो क्वाल साइज और इसका जो वार्निंग डाटा आपको कम्प्लीट शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग वार्निंग का क्वाल डाटा है जो कि शेयर करेंगे, जो भी वार्निंग डाटा है रनिंग कॉल का सबसे पहले वह शेयर करेंगे। रनिंग वार्निंग जो कि आप देख सकते हैं यह बाहर वाली जो अंदर इंस्टॉल है, यानी कि जो हमारी पहले इंस्टॉल हुई है यह रनिंग वार्निंग है, यानी कि जो हमारे सेट बने हुए हैं 1 से 5 और 1 से 7 यह पिच रहेगी, और 1 से 5 और 1 से 7 के 2 सेट बनेंगे और 1 से 5 के हमारे 2 सेट बनेंगे, यानी कि 2 सेट हमारे 1 से 5, 1 से 5 के बनेंगे और 2 सेट हमारे 1 से 5 और 1 से 7 के 2 सेट बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 5 हमारे और 1 से 5 आमने सामने रहेंगे, ये एक एक सेट बनेंगे, और 1 से 5 और 1 से 7 यह हमारे 2 2 सेट यानी कि एक एक सेट, यानी आमने सामने यह भी एक एक सेट रहेंगे, यानी 2 सेट बनेंगे टोटल, टोटल 2 सेट। और 2 सेट हमारे जो एक एक क्वाल के रहेंगे 1 से 5 वाले, यानी 2 क्वाल टोटली, यानी कि आप देख सकते हैं जिसमें वार्निंग आपको दिख रही है 1 क्वाल 1 से 5 की यह है और 1 क्वाल 1 से 5 की यह है, और 2 क्वाल हमारी 1 से 5 7 और 1 से 5 7 यह है अभी। यह पिच हो जाने के बाद दोस्तों, पिच हम आपको समझा दिए, पिच हो जाने के बाद यानी कि 1 से 5 1 से 7 यह हमारी पिच हो गई। और टर्न की बात करें दोस्तों 1 से 5 1 से 5 में हमारे 28 नंबर कॉपर वायर यानी कि SWG हमारा रहेगा,
28 कॉपर वायर से इसकी वाइंडिंग है, 28 नंबर कॉपर वायर से इसकी वाइंडिंग है, और इसी एक से सात में जो हमारे टर्न रहेंगे 160 और 160 सेम, एक से पाँच यानी कि पूरे क्वाल रनिंग क्वाल की जितनी भी क्वाल बनी हुई है टोटल क्वाल है चार, यानी कि दो दो जे हैं हमारी दो और दो छः, टोटल छः क्वाल बनी हुई है, एक से सात में भी हमारी एक ही क्वाल डाली तो टोटल हमारी छः क्वाल बनी हुई है रनिंग क्वाल की, छः क्वाल, और इसमें प्रत्येक क्वाल में हमारे 160 टर्न डाले हुए हैं। इस तरह से आप रनिंग मानिंग की क्वाल है जो कि 28 नंबर कॉपर वायर से बना सकती है। इसकी जो क्वाल लेंथ रहेगी एक से पाँच की क्वाल लेंथ हमारी 10 इंच गोलाई में रहेगी, और एक से सात में जो हमारी क्वाल लेंथ रहेगी 12 इंच गोलाई में रहेगी एक से सात में। इस तरह से आप इसकी जो प्रत्येक क्वाल है अलग अलग क्वाल बनेंगी और एक से पाँच और एक से सात में हमारे इंस्टॉल होंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों, यह रनिंग वार्निंग का डाटा कंप्लीट हो जाता है, आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं स्टार्टिंग वार्निंग का डाटा। स्टार्टिंग वार्निंग का डाटा है जो कि सेम पिच रहेगी एक से पाँच एक से सात, सेम प्रोसेस रहेगी, सिर्फ हमारी जो पिच रहेगी एक से पाँच और एक से सात में जो सेट हमने रनिंग वार्निंग में इंस्टॉल किए हैं वही सेट हमारे स्टार्टिंग वार्निंग में इंस्टॉल होंगे। सिर्फ यहाँ पर गेज जो कि SWG है और हमारे जो टर्न है सेम यह चेंज हो जाएंगे, तो इसमें जो हमारे टर्न डालेंगे प्रति सेम ऐसा ही रनिंग रहेगा रनिंग वार्निंग जैसा जो कि हमने पिच बताई हुई है। इसमें जो टर्न हो जाएंगे हमारी टर्न एक से पाँच में हमारे 170 और एक से सात में हमारे 170, प्रत्येक छः क्वाल इसकी रहेंगी, प्रत्येक छः क्वाल में हमारे 170 टर्न डाले हुए हैं, और SWG हमारा 30 रहेगा, 30 नंबर कॉपर वायर। और क्वाल साइज हमारी सेम रहेगी, एक से पाँच में हमारी 10 इंच गोलाई और एक से सात में हमारी 12 इंच गोलाई, सेम प्रोसेस रहेगी। और कनेक्शन एक से तीन रहेंगे, 10 MPD का कैपेसिटर यूज में ले सकते हैं, और कंप्लीट वार्निंग है जो कि इस वार्निंग डाटा से हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप एक GC फैन, कैप्सूल मोटर यदि एग्जॉस्ट फैन, आप जिस नाम से भी इस मोटर को यूट्यूब पर सर्च करोगे तो यह मोटर है जो कि आपके सामने होगी। यदि हम GC मोटर और कैप्सूल मोटर और एग्जॉस्ट फैन भी इसे बोलते हैं, और GC मोटर और कैप्सूल मोटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसकी वार्निंग है कम्प्लीट इस तरह से इस वार्निंग डाटा से जो कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।